R5 जो है इस सेम 5 लीटर के कैन में आते हैं ऐसे। हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हाउसकीपिंग गुरु 34। मैं हूँ राकेश नाग आपके साथ। आज फिर से मैं आपके साथ आया हूँ आज का नया ट्रेनिंग टॉपिक लेके। एक अच्छा सा ट्रेनिंग टॉपिक हाउसकीपिंग केमिकल रिलेटेड, जो डाइवर्सी का आर सीरीज है, टास्की का आर सीरीज में आज का जो ट्रेनिंग टॉपिक है वो है R5। R5 किस काम के लिए यूज होता है, उसको कैसे यूज किया जाता है, और वो उसका रेडी टू यूज आता है या उसमें डाइल्यूशन प्रोसेस क्या होता है, आज के ट्रेनिंग टॉपिक में हम लोग पूरा जानेंगे R5 के बारे में। ठीक है, सो जल्द से जो भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ठीक है, आपके सब्सक्रिप्शन में ही हम लोग अच्छे अच्छे वीडियो डालेंगे। आप जो हम मुझे कमेंट्स करते हो उसके लिए हम लोग ये वीडियो डालते हैं, और आपके जो भी तरीका होता है, आप देखते हो जो हाँ मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, तो आपके लिए हम लोग ये वीडियो बनाते हैं। चलते हैं आज के ट्रेनिंग टॉपिक में। R5 टास्क की R सीरीज का R5 का काम क्या होता है, और R5 किस किस काम के यूज होते हैं, और कैसे उसको यूज किया जाता है, और उसका सेफ्टी प्रोसेस सेफ्टी तरीका क्या होता है। तो ठीक है, सो शुरू करते हैं आज के ट्रेनिंग टॉपिक टास्क की R5। गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, टाइम क्या हो रहा है? गुड इवनिंग। ओके, सो आज के ट्रेनिंग टॉपिक क्या है? R5 टास्की का R सीरीज का R5। R5 किस काम के लिए यूज होते हैं, और उसको कैसे यूज किया जाता है, और उसके डायलेशन प्रोसेस क्या है, और उसको कौन सी जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं R5। ठीक है, सो R5 पहले हम लोग बता देते हैं, पहले मैं बता दूं आपको R5 कैसे दिखता है। R5 ऐसे ही होता है। सो ठीक है, ये होता है R5। क्लियर। सो R5 का नाम क्या है, मतलब उसको क्या किस काम के लिए यूज होता है? एयर फ्रेशनर, एयर फ्रेशनर। ठीक है, सो R5 यूज होता है एयर फ्रेशनर के लिए। R5 हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? पूरा ऑल टोटल एरिया में हम लोग यूज कर सकते हैं। जहां पे पब्लिक एरिया हो गया, लॉबी, पब्लिक एरिया में जो जो जगह है, लॉबी, बैंक्वेट्स, बोर्ड रूम्स, मीटिंग रूम्स, कुछ भी जगह पे, फिर रूम्स के अंदर, कॉरिडोर में, हर जगह पे हम लोग R5 यूज कर सकते हैं। बट R5 यूज करने के लिए भी तरीका होता है, उसको कैसे यूज किया जाता है, उसका तरीका होता है। तो आज हम लोग वो सब सीखने जा रहे हैं, R5 हम लोग कैसे यूज करें और कहाँ कहाँ यूज करें, और उसका डाइल्यूशन प्रोसेस क्या होता है, और कैसे यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं डाइल्यूशन प्रोसेस में। R5 में डाइल्यूशन का क्या क्या होता है डाइल्यूशन प्रोसेस? थैंक सिंह, रेडी टू यूज होता है। ओके जवन, रेडी टू यूज होता है, रेडी टू यूज होता है। यस, R5 ऑल्सो रेडी टू यूज होता है। R5 रेडी टू यूज होता है कि वो R5 में कोई भी डाइल्यूशन नहीं होता है। R5 मेड ही आते हैं रेडी टू यूज करके। ठीक है, उसमें वाटर या कुछ भी हम लोग मिलावट नहीं करते, वो डायरेक्ट यूज करने के लिए आते हैं R5। ठीक है, सो R5 का काम होता है एयर फ्रेशनर के लिए। जब हम लोग रूम में या कॉरिडोर में, जो होटल में लोग आते गेस्ट आने के बाद जो उनको जो फ्रेशनेस फील होता है, वो R5 के देन है। R5 हम लोग स्प्रे करते हैं, हाउसकीपिंग का काम होता है R5 स्प्रे करना। तो R5 स्प्रे करने के बाद, बट R5 स्प्रे करने से एयर फ्रेशनर आ जाएगा या फ्रेशनेस फील होगा, उससे पहले तो क्लीनिंग जरूरत है ना। तो हाउसकीपिंग क्लीन करते उसके बाद एयर फ्रेशनर मारते। तो क्लीन करने से पहले आप एयर फ्रेशनर मारोगे तो वो एक लिमिट टाइम के लिए वो फ्रेशनेस रहेगा, बट फिर वो बैड स्मेल, जो गंदा अपने जगह पे देखा है, वो गंदगी का स्मेल फिर आ जाएगा बैड स्मेल। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोगों का काम है जगह को अच्छे से क्लीन करना, उसके बाद हम लोग एयर फ्रेशनर करें। सो एयर फ्रेशनर के लिए काम आता है और रेडी टू यूज होता है R5। ओके, और किस तरीके से यूज होता है R5? R5 तो डस्टिंग के लिए नहीं यूज होता है, डस्ट नहीं कर सकते, या डस्टिंग क्लॉथ में ऐसे स्प्रे करके रूम में ऐसे थोड़ा सा टाइम वेट करके जाते हैं, नहीं होता है ना, ऐसे होता है क्यों? उस दिन मानव बोल रहा था मेरे को, ऐसे सर स्प्रे डस्टिंग क्लॉथ में स्प्रे करो, फिर ऐसे रूम में रख दो सर तो स्मेल फैल जाएंगे, बोल रहा था ना मानव? कौन सा टाइम में? अच्छा
अभी भूल गया देखो नहीं आई एम जस्ट जोकिंग. सो देखो आर फाइव यूज करने का तरीका क्या होता है, स्प्रे बॉटल्स में आर फाइव लेना है, उसमें टैग लगाना है आर फाइव का जो ऑलरेडी पहले से लगा हुआ रहता है, तो आप उसको रिफिल करो. फिर एयर फ्रेशनर करने का तरीका क्या होता है, हवा में ऊपर, हमेशा ऊपर, कभी भी ऐसे नीचे लेवल पे एयर फ्रेशनर नहीं करते. क्यों? उसका भी एक लॉजिक है क्यों हम लोग एयर फ्रेशनर ऊपर ऊपर से करते हैं. और एयर फ्रेशनर करने के टाइम पे हमेशा एक चीज फॉलो रखना है, आपका सेफ्टी. कोई भी केमिकल आप यूज करो उसमें तो सेफ्टी आपको सबसे पहले, बिकॉज यू आर सेफ, देन यू कैन प्रोवाइड अ सेफ सर्विस टू अदर कस्टमर्स एंड एनीवन. ठीक है ना, आप सेफ हो तो ही आप सेफ सर्विस दे सकते हो. तो इसीलिए हमेशा आपके सेफ्टी पहले देखना, क्लियर. तो आप जब एयर फ्रेशनर ऐसे स्प्रे करोगे रूम्स में या कहीं पे भी, तो आप हमेशा याद रखना आपका हाथ ऊपर होना चाहिए और आपके फेस उल्टे साइड में होना चाहिए. क्यों? मान लो आप कहीं एसी के सामने आप एयर फ्रेशनर कर रहे हो और एसी का फ्लो आपके साइड में, तो आप क्या होगा वहां पे, वो केमिकल पूरा आपके फेस में आएगा या आंखों में जाएगा, फेस में आएगा. अभी मान लो आर फाइव से हमेशा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, बट किसी को एलर्जी है, स्किन एलर्जी है, किसी को स्मेल एलर्जी है, आंखों में आ सकता है, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा. तो इसीलिए हमेशा सेफ्टी फॉलो करो. भले ही हमको मालूम है कितने साफ है जो जिसका जहर नहीं होता है, बट डरते हम सबसे ही है ना, अरे यार कुछ भी हो सकता है, बट हमको मालूम है वो सांप का जहर नहीं है, बट फिर भी हम डरते हैं ना. क्यों? सेफ्टी, सेफ्टी फर्स्ट ऑलवेज, सही है ना. तो हमेशा एयर फ्रेशनर ऐसे एयर फ्रेशनर करो और आपका फेस इस साइड पे करना, तो आपके फेस में नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा आपको. ठीक है, तो वो चीज होता है. और एयर फ्रेशनर ऊपर करने का लॉजिक क्या होता है, जे आप जब एयर फ्रेशनर ऊपर करोगे तो वो रूम में फैलेगा. ठीक है, वो हवा में फैलते है तो वो रूम में फैलेगा, बट आप जब नीचे करोगे तो वो फैलेगा नहीं ना, वो डायरेक्ट नीचे ही सोप हो जाएगा ना, नीचे बैठ जाएगा. सो वो आपको कभी भी वो फील नहीं होगा. ठीक है, तो एयर फ्रेशनर करने का सही तरीका है, आप हवा में एयर फ्रेशनर करो हमेशा ऊपर लेवल पे, तो भी जाके आपका एयर फ्रेशनर जो है वो पूरा एरिया में आपका रूम फ्रेशनर फैलेंगे और फिर आपको स्मेल अच्छा आएगा, फ्रेशनेस वाला स्मेल आएगा. क्लियर? और आर फाइव क्लॉथ में स्मेल आप नहीं करना. ठीक है, कोई भी क्लॉथ में मत लगाना, उसके लिए भी अलग एयर फ्रेशनर आता है जो फैब्रिक के लिए आता है. फैब्रिक में आप आर फाइव यूज नहीं करना, फैब्रिक के लिए अलग से एयर फ्रेशनर आता है जो ओनली फॉर फैब्रिक के लिए आता है. जैसे हम लोग कोई नॉन स्मोकिंग रूम में डालते हैं जिसमें स्मोक स्मेल आता है, उसके लिए हम लोग क्या वो वाला एयर फ्रेशनर यूज करते हैं, फैब्रिक वाला एयर फ्रेशनर, जिसमें हम लोग जो रूम्स के कर्टन्स होते हैं उसमें सोफा में हम लोग एयर फ्रेशनर कर सकते हैं, वो फैब्रिक एयर फ्रेशनर आता है अलग से, उसको हम लोग कर सकते हैं. उसमें जो स्मोक स्मेल या रूम के अंदर कोई मॉड बैड स्मेल है वो निकलने के लिए है, क्लियर. बट आर फाइव क्लॉथ में या फैब्रिक में स्प्रे मत करो, ओनली फॉर एयर स्मेल, हवा में डायरेक्ट ऊपर स्प्रे करो तो वो फैलेगा और उसका फ्रेशनेस हमको फील होगा. क्लियर? तो आर फाइव किस किस काम के लिए यूज होता है? एयर फ्रेशनर के लिए. और कोई काम के लिए यूज होता है आर फाइव? मानव बोल रहा था उस दिन कपड़ा धोने के लिए यूज होता है. मामूनी रूम फ्रेशनर. ओके यार मानव भैया तुम्हारा नाम हमेशा क्यों आ जाता है यार, यही तो देखा. बट चलो कोई बात नहीं, हमेशा एयर फ्रेशनर के लिए ही यूज होता है आर फाइव, और कहीं यूज नहीं होता आर फाइव. ठीक है, तो आर फाइव कैसे हम लोग एयर फ्रेशनर को ऊपर स्प्रे करते हैं आपको पता चला. आर फाइव को डाइल्यूशन होता है, नो डाइल्यूशन, रेडी टू यूज आता है. आर फाइव का सेफ्टी प्रोसेस आपको बता दिया, जे स्प्रे करने के टाइम पे आपका फेस उल्टे साइड में होना चाहिए. ठीक है, और आर फाइव कोई क्लॉथ में ऐसे डायरेक्ट नहीं मारना है, क्लॉथ में लगाना ही नहीं है, फैब्रिक्स में. क्लियर? और आर फाइव का जो मिलावट है तो पहले ही बता दिया आपको, तो और कोई टेंशन नहीं है उसमें. क्लियर? सो आर फाइव के रिलेटेड जो भी है आपको पता चला. यस सर. हाँ यस सर. और कुछ आर फाइव लेके कोई क्वेश्चन आपको?
नो क्वेश्चन, तो सबको याद आया R5 का काम? Yes, हाँ, पता चला? ओके, यस सर। एक रूम पे जब R5 यूज करती हूँ तो ज्यादा स्प्रे करेगा तो स्प्रेड हो जाएगा, तो लिमिटेड स्प्रे करना पड़ेगा। हमेशा कहीं पे भी आप कोई भी फ्रेशनर या कोई भी चीज यूज करो, वो लिमिटेड ही यूज करने आप। कभी भी ज्यादा यूज करने से आपको सोच रहे हो जो ज्यादा यूज करूं तो उसमें फ्रेशनेस अच्छा मिलेगा और भी ज्यादा मिलेगा, नहीं। हमेशा एयर फ्रेशनर लिमिटेड यूज करना पड़ता है कभी भी। आप जैसे मान लो होटल्स में एरोमा यूज होता है, जैसे हॉट एरोमा होता है, कोल्ड एरोमा होता है, उसमें हम लोग पानी के ऊपर एरोमा का ड्रॉप डाल देते हैं तो वो फ्रेशनेस देता है, बट उसमें हम लोग क्या डाटा डालते हैं? नहीं, वो लिमिटेड होता है। हमेशा लिमिटेड दो तो ही जाके वो फ्रेशनेस फैलेगी और फ्रेशनेस अच्छा मिलेगा। जब अगर ज्यादा डालोगे तो उसमें क्या एक हार्ड स्मेल आएगा आपको, वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, क्लियर? सो दोस्तों, आपको पता चला R5 किस काम के लिए यूज होता है, कैसे यूज होता है, और इस तरीके से R5 का जो भी यूजेस है ऐसे ही हम लोग R5 यूज होता है और यूज करते हैं होटल लाइन्स में या कोई भी जगह पे। ये रूम्स में भी अपने पर्सनल यूज के लिए भी लोग यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, होटल्स में भी यूज होता है। तो ये तरीका होता है R5 यूज करने का। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा और R5 रिलेटेड और भी कुछ जानना है तो मुझे कमेंट्स करना मत भूलना, और इस रिलेटेड हाउसकीपिंग रिलेटेड और भी कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, नहीं तो आप मुझे डायरेक्ट मेल भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी दिया हुआ है तो उसमें आप जरूर मेल कर सकते हो, तो मैं आपको आंसर करूंगा और कमेंट्स का भी आंसर करूंगा आपको। ठीक है, सो आज का ट्रेनिंग टॉपिक यहां तक, और कैसा लगा मेरा वीडियोस या मेरा ट्रेनिंग टॉपिक वो जरूर बताना मुझे कमेंट्स में। सो दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट्स करिए जो मेरा वीडियोस आपको कैसा लग रहा है, और ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने ही रहिए। और फिर अब मैं कोई मिलूंगा आपसे कोई नया ट्रेनिंग टॉपिक लेके या नया कोई ट्रेनिंग वीडियोस लेके। ठीक है, सो आज के लिए यहां तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग हाउसकीपिंग गुरु 34।